तो दोस्तों यही है पंकज उदास जी का। यहाँ से 1 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर ही लता मंगेशकर जी का भी घर है, और 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर इंडिया के रिचेस्ट पर्सन और साथ ही में एशिया के भी रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी जी का घर है दिल्ली। इन्होंने 6 साल की उम्र से ही म्यूजिकल करियर की शुरुआत कर दी थी। हेलो गाइस, जय हिंद जय श्री राम। तो मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देख रहे हैं उत्कर्ष के ब्लॉग। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबको लेके चलूंगा पंकज उदास जी के घर के पास। जी हाँ दोस्तों, पंकज उदास जी जो कि इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, और वो अपने गजलों के लिए काफी ज्यादा जाना करते थे। तो अगर आपको भी उनके गाने पसंद है और आप भी उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज इस ब्लॉग में कंटिन्यू बना रहिएगा। आ चुका हूँ मुंबई के पेडर रोड कुंबाला हिल में, और इधर ही मैंने अपने बाइक को पार्क कर दिया है। और आपको सामने वो जो घर दिखाई दे रहा है वही है पंकज उदास जी का बंगलो, जो कि इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। और अभी मैं अंदर जाके उनका घर का पूरा वीडियो आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यही है पंकज उदास जी का घर, और आप देख सकते हैं उन्होंने ये कितना आलीशान बंगलो बनाया है। और उनके इस गेट के बाहर आपको लिखाई दिया हुआ दे रहा होगा 6A पंकज उदास हिल साइड। और आप यहाँ देख सकते हैं ये कितना पॉश इलाका है, और यहाँ पर सारे करोड़पति लोग ही रहते हैं। और ये मेन रोड से थोड़ा ही अंदर उनका घर है, और आप देख सकते हैं उनके घर के बाहर कितने सारे पेड़ और पौधे लगे हुए हैं, क्योंकि पंकज उदास जी को पेड़ों और पौधों से काफी ज्यादा प्यार था। और यहाँ से 1 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर ही लता मंगेशकर जी का भी घर है, और 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर इंडिया के रिचेस्ट पर्सन और साथ ही में एशिया के भी रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी जी का घर है दिल्ली है, जिसका मैंने एक बहुत अच्छा ब्लॉग अपलोड किया है। आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या तो आप मेरे चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। और आपको ये सामने जो गेट दिखाई दे रहा होगा यही है इस घर का एंट्री और एग्जिट गेट। और आप देख सकते हैं पंकज उदास जी ने ये कितना शानदार सा बंगलो बनाया है, और कुंबाला हिल मुंबई के टॉप 5 एक्सपेंसिव जगह में भी आता है। और आपको ये ऊपर वाला जो फ्रंट रूम दिखाई दे रहा है वही है पंकज उदास जी का रूम, और वो वहीं रहा करते थे। और इन्होंने यहाँ काफी अच्छा टेरेस भी बनाया है, और इस घर के अंदर एक प्यारा सा गार्डन भी बनाया है, क्योंकि पंकज उदास जी को नेचर से काफी ज्यादा प्यार था। पूरे घर को पंकज उदास जी ने ही डिजाइन किया है, और आप सबको पता ही होगा 26 फरवरी 2024 को 72 साल की उम्र में पंकज उदास जी इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। ये खबर उनकी बेटी नया उदास जी ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बताया था, और पंकज उदास जी के मैनेजर ने बताया था कि पंकज उदास जी का निधन मुंबई के कैंडी हॉस्पिटल में सुबह 11 बजे हो गया था, और वो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, इस वजह से उनका निधन हो गया। और अब बात किया जाए पंकज उदास जी के बायोग्राफी के बारे में, तो उनका जन्म 17 मई 1951 को गुजरात के राजकोट में हुआ था। और पंकज उदास जी गुजराती फैमिली से बिलोंग करते थे, और इन्होंने 6 साल की उम्र से ही म्यूजिकल करियर की शुरुआत कर दी थी, क्योंकि इनके फैमिली में ही पहले से संगीत का माहौल था। और पंकज उदास जी बताया करते हैं कि उनके म्यूजिक करियर की शुरुआत स्कूल के प्रेयर से हुई थी। और पंकज उदास जी का सबसे पहला एल्बम 1980 में आहट आया था, और इसमें कई सारे गजलें उन्होंने गाई थी। और पंकज उदास जी पहले से ही गजल के लिए काफी ज्यादा मशहूर थे, और इन्होंने बॉलीवुड को काफी सारे फेमस गाने दिए हैं, जैसे कि चिट्ठी आई है जियो तो जियो कैसे, ऐसे अनेकों गाने इन्होंने गाए हैं। और पंकज उदास जी की शादी 11 फरवरी 1982 को फरीदा से हुई थी, और दोनों का ही लव मैरिज था। इनकी वाइफ फरीदा एक एयर होस्टेस थी, और वो एक पारसी फैमिली से बिलोंग करती थी, और पंकज उदास जी गुजराती फैमिली से बिलोंग करते थे। और दोनों को शादी करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उन दोनों की फैमिली नहीं मान रही थी। और साथ ही में इनकी दो लड़कियां भी है, नायाब उदास और रीवा उदास, और दोनों ही बहनें म्यूजिक इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। नायाब जो कि म्यूजिक बैंड चलाती है, और रीवा एक म्यूजिक इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। और अब बात किया जाए पंकज उदास जी के नेटवर्थ के बारे में, तो उनका नेटवर्थ लगभग 30 करोड़ रुपए है, और इनके पास कई सारे लग्जरियस गाड़ियां भी हैं, जैसे कि BMW, मर्सिडीज। और पंकज उदास जी अभी दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, और आपको उनका कौन सा गाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही और वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।